एस जूनियर इंजीनियर के लिए ये आपका पहला मॉडल पेपर होगा जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात करूँगा जो लोग नए है, तो हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है देश के सभी निवासियों की जो आय है वो क्या कहलाती है देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी कुल आय कहलाती है टोटल इनकम कहलाती है अगला बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है वो क्या कहलाती है तो वो कहलाती है ऑप्शन बी मांग जमा कहलाती है क्या कहलाती है मांग जमा अगला है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के तहत अगला है चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी तो चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी एहोल थी अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा जो है वो किसने दिया था चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ये नारा दिया था ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन है दो तिहाई सतह पानी से ढकी होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं नेक्स्ट है किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक बोट होना चाहिए तथा हर बोट का एक समान मूल्य होना चाहिए तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सरकार में नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन है ये किस वर्ष में हुआ था चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ये हुआ था ऑप्शन डी 1906 में हुआ था नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बा मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो उनको कहते हैं ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह कहते हैं अगला है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूम, मुख्य भूमि का विस्तार आठ डिग्री चार मिनट उत्तर तथा है तो यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर ओके अगला देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन पेप्सिन जो है वो पाचन करता है पेप्सिन किसका पाचन करता है तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए उधर में प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम अगला एनीमिया का संबंध जो है वो होता है एनीमिया का संबंध किस से होता है चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो लौह की कमी से एनीमिया होती है अगला एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल यहाँ क्या करेंगे होता है तो ऑप्शन बी शून्य होता है कितना होता है शून्य अगला देख लेते हैं निम्न में से किस मिश्र धातु में टिन उपस्थित है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी मिलाप या सोल्डर अगला एक स्प्रेड शीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो एक स्प्रेड शीट में एक बॉक्स को कहते हैं सेल कहते हैं ऑप्शन सी सेल अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा हवा जो है वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है नेक्स्ट है, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी दूसरा अगला एले जान्द्रो बोल्टा यहाँ क्या बनेंगे आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा बैटरी के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आशा एंड स्प्रिट बर्ड नामक पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका जो हैं वो कौन हैं तो ऑप्शन बी जसविंदर बिलान नेक्स्ट है कौन सी योजना सभी को विशेष रूप से गरीबों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए जन औषधि अगला उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोर्ट हो जाएगा उसका नाम महान मिल्खा सिंह किस नाम से भी जाने जाते हैं तो ऑप्शन है फ्लाइंग सिख के भी नाम से भी जाने जाते हैं बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी असम राज्य में शुरू किया गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वेद उपनिषद पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं देखिए चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ये लिखे गए हैं ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं संस्कृत अगला उनतीस मार्च अठारह को मंगल पांडे को कहाँ पर फांसी दी गई थी तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा तो ये दी गई थी ऑप्शन बी बैरकपुर में फांसी दी गई थी बैरकपुर अगला है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का जो आकार है वो क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी दीर्घ व्रत्ताकार क्या हो जाएगा दीर्घ व्रत्ताकार अगला है महाद्वीपीय सनहित के पॉपर्टी का अन्य नाम जो है वो क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए सियाल क्या हो जाएगा सियाल नेक्स्ट सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो असम सॉरी पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है अगला भारतीय संविधान के लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद तेईस कामा चौबीस अगला है भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी पांच वर्ष के लिए अगला है किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है चार ऑप्शन आपके दिए गए तो ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र अगला निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है तो देखिए चार ऑप्शन है इसमें से क्या होगा ऑप्शन बी सहकारिता नेक्स्ट एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की यहाँ क्या बनेंगे को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण अगला ध्वनि यहाँ क्या बनेंगे में सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि किस में सबसे तेज यात्रा करती है तो ऑप्शन बी इस्पात में इस्पात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है तो ऑप्शन बी कार्बन मोनो ऑक्साइड अगला एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के हानि को यहाँ क्या बोलेंगे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है ऑप्शन सी फूलना कहा जाता है फूलना अगला है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी हैजा अगला है संगठित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोल्डर क्या हो जाएगा फोल्डर अगला है विटामिन के का उपयोग यहाँ क्या करेंगे के लिए किया जाता है तो ऑप्शन डी थ्रोम्बोलास्टिन का गठन करने के लिए किया जाता है अगला है जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी अपमार्जक कहते हैं अगला देख लेते हैं क्या कहता है बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ क्या भरेंगे कि खोज के लिए प्रसिद्ध हैं किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं ऑप्शन बी बिजली की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं ओके अगला है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेंस एंड प्लेन्स पुस्तक के जो लेखक अथवा लेखिका हैं वो कौन है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड क्या हो जाएगा रस्किन बॉन्ड अगला है किस राज्य में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी ओडिशा में पाई जाती है नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है तो ऑप्शन है जिनेबा में स्थित है कहाँ पर जिनेवा अगला है ब्रिटेन ने भारत के किस देश के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों तथा तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उपयोग ओपीएम युद्ध में किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी चीन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी सस्ते तथा बहन योग्य अगला है भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है तो ऑप्शन बी श्रमिक अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन है अनुच्छेद बत्तीस अगला है किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अगला है प्राचीन भारत में यहाँ क्या करेंगे किस संघों को श्रेणी कहते थे तो चार ऑप्शन हैं तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे अगला है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की तो ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वर्ष उन्नीस से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था चार ऑप्शन है तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल आठ ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है तो इसका क्या होगा ऑप्शन डी पांचवा। अगला है पृथ्वी कितने समय में एक डिग्री घूम जाती है चार ऑप्शन आप आपके दिए गए हैं इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए चार मिनट अगला है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है इसका क्या होगा ऑप्शन सी गुजरात भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है तो इसका क्या होगा ऑप्शन ए e, पहली नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 अगला है से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं तो ऑप्शन सी परावर्तित किरण कहते हैं अगला यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है तो इसका क्या होगा ऑप्शन डी फ्यूज एक्वारेजिया का एक मिश्रण है किसका मिश्रण है ऑप्शन बी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तीन भागों में एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल सांद्र का अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन डी बन बाकी के तीन है जलाशय झील दलदल। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा पित्त का उत्पादन होता है यकृत में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पल्स बीट किस में मापी जाती है तो धमनी निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के एलयू द्वारा दिया जाता है किया जाता है ये और भी दोनों अंकगणित ऑपरेशन और तर्क संगत ऑपरेशन इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा तो वर्ष 2025 हजार पच्चीस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ऑप्शन भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया अल्फ्रेड नोबेल ने किया दुतीयच चंद्र निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं तो सौ मीटर दौड़ से और आज का लास्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं ऑप्शन सी इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार लाख दो लाख रुपए तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद